दोस्तों सब टीवी का पॉपुलर शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा व्यूज के मामले में प्यूडीपाई और मिस्टर बीस्ट के कंबाइंड व्यूज को भी पीछे छोड़ गया है। यूट्यूब पर इस शो को 45 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं और इसके ऑफिशियल चैनल पर अप्रोक्स 20 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। और अगर आप भी एक भारतीय हैं तो आपने इस आइकॉनिक शो के एपिसोड्स तो जरूर देखे होंगे। जेठालाल, दया, टप्पू, बबीता जी और अय्यर जैसे इस शो के कैरेक्टर लोगों के बीच इतने पॉपुलर हो चुके हैं कि इनकी असल पहचान तो कहीं गुमनाम सी हो चुकी है। ये शो लोगों के बीच में इतना ज्यादा पॉपुलर है कि इसके लाखों फैंस तो शो को देखते हुए अपना डिनर करते हैं। पर अब चाहे जेठालाल और बबीता जी की जुगलबंदी हो या फिर बापू जी के चटपटे बोल, टप्पू सेना की शरारतें हो या फिर अपने तारक मेहता के अनमोल वचन, ये शो लाइट हार्टेड कॉमेडी और मॉरल वैल्यूज का एक ऐसा कॉम्बिनेशन लेकर आता है कि लोग इस शो के एपिसोड्स को बार बार देखकर भी नहीं थकते। लेकिन पिछले कुछ टाइम की अगर बात करें तो ये शो की व्यूअरशिप लगातार डाउन हो रही है। शो के कैरेक्टर्स लगातार शो को छोड़कर जा रहे हैं और आए दिन तारक मेहता के सेट्स पर नई नई कंट्रोवर्सीज हो रही हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो इतना पॉपुलर हो कैसे पाया और वो क्या रीजंस हैं जो कि इसके डाउनफॉल के रीजंस बन रहे हैं। तो दोस्तों इस शो की कहानी शुरू होती है 28 जुलाई 2008 से, क्योंकि इसी दिन ही तारक मेहता का पहला एपिसोड टेलीकास्ट किया गया था। और ये वो दौर था जब एंटरटेनमेंट के नाम पर सास बहू के सीरियल्स आया करते थे जो कि बेमतलब फैमिली ड्रामा से भरे होते थे, क्योंकि सास भी कभी बहू थी और कसौटी जिंदगी की जैसे सीरियल्स ने घर की महिलाओं के मनोरंजन का जिम्मा उठाया था। वहीं अगर पुरुषों की बात करें तो पुरुष न्यूज और मूवीज देखने में खुश थे और बच्चे तो कार्टून नेटवर्क और पर ही खोए हुए रहते थे। हर समय रिमोट पर कंट्रोल हासिल करने के लिए जद्दोजहद होती थी क्योंकि हर इंसान अपना फेवरेट शो देखना चाहता था। ऐसे में सब टीवी एक ऐसी शो लेकर आती है जो कि बच्चों से लेकर बूढ़ों तक हर इंसान का फेवरेट बन गया है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा एक ऐसा शो बनकर उभरा जिसमें हर इंसान के एंटरटेनमेंट के लिए कुछ न कुछ तो जरूर होता है। एक तरफ तो जहां सास बहू के सीरियल्स में अमीर परिवार, आलीशान घर और हर तरफ चमक धमक दिखाई जाती थी, वहीं तारक मेहता ने लोगों को मिडिल क्लास परिवारों की झलक दिखाई। इसके हर एपिसोड के थीम मिडिल जिंदगी में आने वाली प्रॉब्लम से जुड़ी होती थी जो कि लोगों को ज्यादा रिलेटेबल नजर आता था। अब दोस्तों आपको बता दें कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो को आसित कुमार मोदी ने बनाया था और ये भारत के फेमस राइटर तारक मेहता के द्वारा चित्रलेखा मैगजीन में लिखे गए वीकली कॉलम दुनिया ने उंधा चश्मा पर बेस्ड है। और दोस्तों अगर आपने नोटिस किया हो तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा के कैरेक्टर्स में हमें भारत के अलग अलग स्टेट्स और वहाँ की यूनिक आइडेंटिटी का फ्यूजन देखने को मिलता है। जैसे दया और जेठालाल गुजराती हैं तो वहीं भिड़े महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, बबीता जी बंगाली है तो उनके हस्बैंड अय्यर साउथ इंडिया से हैं, तो वही सोडी पंजाबी हैं और उनकी पत्नी पारसी कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो की सबसे अच्छी बात ये है कि हम इसे पूरी फैमिली के साथ बैठकर देख सकते हैं और यहाँ पर हर फैमिली मेंबर शो के किसी न किसी किरदार के साथ रिलेट कर पाता है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो में ना तो कोई सीरियस फाइट दिखाई जाती है और ना ही कोई वल्गर लैंग्वेज सुनने को मिलती है। इस शो के प्रोड्यूसर सबसे पहले कई और दूसरे चैनल्स के पास तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो का टेलीकास्ट करवाने के लिए गए, लेकिन उन्होंने इसे रिजेक्ट कर दिया। लेकिन बाद में सब टीवी ने इस शो को अपने चैनल पर टेलीकास्ट करने के लिए शो के प्रोड्यूसर्स को अप्रूवल दे दी। और दोस्तों आप इस शो की पॉपुलैरिटी का अंदाजा इस बात से लगा सकते हो कि साल 2014 में जब पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने स्वच्छ भारत अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर चुने तो उन्होंने सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, अमिताभ बच्चन जैसे सितारों के बीच एक नाम तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो की टीम का भी था। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि इस शो को एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर शुरू किया गया था और ओरिजिनली इसे सिर्फ 2 साल तक की टेलीकास्ट करने का प्लान था, लेकिन बाद में आगे चल के इस शो को इतना क्रेजी रिस्पांस मिला कि इसे बंद करने का तो सवाल ही नहीं था। लेकिन दोस्तों पहले एपिसोड्स के मामले में न्यू एपिसोड्स की व्यूअरशिप लगातार गिर रही है, लेकिन अब सवाल उठता है कि अचानक ऐसा क्या हो गया कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो की पॉपुलैरिटी इतनी गिरती जा रही है। तो दोस्तों इस आइकॉनिक शो के डाउनफॉल होने का मेन रीजन है कि इससे जुड़ी कॉन्ट्रोवर्सीज, जिसका नंबर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। साल 2020 में नेहा मेहता जो कि अंजलि के रोल में दिखाई देती थी, उन्होंने अचानक से शो को छोड़ने का फैसला ले लिया। 2008 से ही शो का हिस्सा रही नेहा मेहता ने आरोप लगाए कि शो के सेट पर डिसिप्लिन की कमी है और वहाँ उनके साथ अच्छा बिहेव नहीं किया जाता। पर दोस्तों सिर्फ नेहा मेहता ही नहीं बल्कि शो के और भी कई सारे कैरेक्टर्स ने यहाँ के टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट पर आरोप लगाए हैं। तारक मेहता शो के मेन कैरेक्टर और शो में जेठालाल के परम मित्र तारक मेहता का किरदार निभाने वाले शैलेश लोढ़ा खुद 2022 में शो को अलविदा कह चुके हैं। इसके पीछे की असल वजह उनसे ज्यादा काम करवाना और बदले में उन्हें कम पेमेंट करना था। और भी ऐसे कई सारे कारण हैं जिसकी वजह से शो के कैरेक्टर शो को छोड़ चुके हैं। और तो और कुछ कंट्रोवर्सीज का सामना बबीता जी का रोल प्ले करने वाले मुनमुन दत्ता के साथ भी हो गई थी, जब उन्होंने अपनी एक वीडियो में जातिवाद कमेंट कर दिया, जिसके बाद उन्हें इस कमेंट करने के बाद माफी मांगनी पड़ी। लेकिन दोस्तों अगर हम कंट्रोवर्सीज से आगे बढ़े तो शो को सबसे ज्यादा नुकसान इसे छोड़ चुके कैरेक्टर्स ने पहुंचाया है। जैसे दिशा वकानी से लेकर शैलेश लोढ़ा और नेहा मेहता, इन सभी को हम शो की शुरुआत से ही
ही देखते आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों अब धीरे धीरे ऑडियंस की इस शो के साथ रिलेटिविटी खत्म होती नजर आ रही है। इस शो के मेकर शो में कुछ नया लाने की बजाय वही पुराने एपिसोड्स के आइडिया को उठाकर उसे रीमेक करके नए एपिसोड्स बनाने में लगे हुए हैं और शो के सस्पेंस को बढ़ाने के चक्कर में बेवजह शो को लंबा खींचा जा रहा है। तो अब सवाल है कि क्या सच में तारक मेहता का उल्टा चश्मा के शो को बंद कर देना चाहिए? आप अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और इसी के साथ दोस्तों आज की वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा।